अब ये फोन नहीं रहे। क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों भाग रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे अकेली आई हैं? आपका हस्बैंड कहाँ पर है? इसी ट्रेन में है। ओ, इसी ट्रेन में है, अच्छा है तो फिर ठीक है। ओके, तो हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? शादी कहाँ हुई जो हनीमून के लिए जाएंगे? मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? उस सुंदर ने आप दोनों की शादी नहीं करवाई क्या? हमारी शादी तुम्हारी वजह से ही रुकी है। क्या कहा, मेरी वजह से? अरे वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आया था, तो फिर शादी क्यों रुकवाई? मेरे पापा शादी के लिए राजी नहीं है इसीलिए। ऐसा क्या, आपके पिताजी का और उसका क्या संबंध है? मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं और वो उनका चेला है। क्या, आपके पापा होम मिनिस्टर हैं? अच्छा वो तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहा था? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट, काम ही करना, उसके अलावा अगर कुछ हीरो गिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। ए, तू बाज नहीं आएगा तो हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? हाँ, अभी पता चला, वो लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप है, इसलिए वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे। मतलब रजिस्टर ऑफिस में वो लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? हाँ, वो बैड लक पर्सन मैं ही हूँ। मैंने सोचा था सेंटिमेंटली मुझे बैंगलोर वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम वर्कआउट हो गया। मतलब? मतलब नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पुलिस वाले मिल जाएंगे, उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर के बेटी का लवर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। ओहो, अगला स्टेशन तो अभी आ ही गया, अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। चिरू, यू आर अ लकी पर्सन।